अग्निपाथ स्कीम एक पॉलिसी की स्कीम है और एक बहुत ही बड़ा स्टेप है भारत की फौज के अंदर रिक्रूटमेंट के हवाले से, मगर उसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे आज मेजर गौरव आर्या जी के साथ, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते, और जो रूस की पाइपलाइन है ईरान से होती हुई, अफगानिस्तान से होती हुई भारत को कैसे जाएगी, और उसके उस रीजन पे जियो पॉलिटिक्स के हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे, ये हैं सारी बातें हम मेजर गौरव आर्या जी से करने वाले हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं दिल्ली से वीडियो लिंक पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, धन्यवाद मेजर साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपके चाणक्य फोरम पे जियोपॉलिटिक्स की ही बात होती है और मैं सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स की बड़ी बातें करने से पहले जो भारत का इंटरनल एक मसला है अग्निपाथ, उसके हवाले से वो जो स्कीम है, मैं ज़रूर मैं और मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इसको क्यों मेजर साहब पॉलिटिसाइज भारत में किया जा रहा है। यूँ लगता है कि भारत में कोई भी छोटा मोटा वाकया भी हो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझती हैं कि ये एक बढ़िया मौका है, वैसे तो मोदी जी को हम हरा नहीं सकते, तो इमीडिएटली कोई ना कोई इसकी आड़ ले ली जाए, किसी भी इंसिडेंट की, CAA हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे ये फॉर्मर प्रोटेस्ट हों, चाहे अभी नूपुर का किस्सा हुआ, चाहे साउथ इंडिया में हिजाब का मसला था, और अब ये मसला अग्निपाथ स्कीम का आ गया, जो किसी तौर पर भी कम्युनल नहीं, जो किसी तौर पर भी पॉलिटिकल नहीं, मगर इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। पहले तो तहर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने शो में इन्वाइट करा। सर ऐसा है कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अब बात यह है कि लगातार दर लगातार चाहे वो कांग्रेस पार्टी और पार्टियां हों, ये इलेक्शन हार रही हैं, और जो रीजनल पार्टीज हैं, छोड़ के आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है, दिल्ली में वो हाफ मानेंगे बिकॉज दिल्ली इज जस्ट हाफ अ स्टेट, इट्स नॉट अ फुल स्टेट, पंजाब एक फुल स्टेट है, तो आम आदमी पार्टी है जो डेढ़ स्टेट में हमारे, वन एंड हाफ। बाकी आप देख लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बंगाल में है, और बाकी जितने भी साउथ की पार्टी है सब अपने 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 स्टेट्स में है, कोई ऐसे नहीं कि तीन चार स्टेट्स में है या दो तीन स्टेट, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी लगातार दर लगातार, कांग्रेस पार्टी का पिछले 15-20 साल से स्लाइड चल रहा है नीचे, और अब तो बहुत ही बुरे हाल में है, और कांग्रेस पार्टी ने जीत देखे हुए कांग्रेस पार्टी को बहुत टाइम हो गया सर। अब ऐसे में क्या होता है कि वेन यू आर आउट ऑफ पावर फॉर वेरी लॉन्ग एंड यू डोंट सी एनी होप ऑफ रिटर्निंग टू पावर, उम्मीद भी नहीं लगती आपको। इंडिया में तो लोग खुलेआम कहते हैं कि 2024 मोदी जी के नाम पे जा चुका है ऑलरेडी, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मामला अनसेटल हो जाए। सर मुझे पॉलिटिक्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे नेशनल सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत, और जियो पॉलिटिक्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। जहां तक मुझे लगता है कोई भी ऐसा मसला है, कोई भी ऐसा मामला है, शाहीन बाग है, फार्मर्स प्रोटेस्ट है, हिजाब वाला मामला है, गुड़गांव में नमाज वाला मामला है, या फिर ये अग्निपथ वाला मामला है, या कोई और भी मामला है भारत में, एक आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी पावर में आए हैं तब से लगातार दर लगातार ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें लार्ज स्केल या तो वायलेंस हुआ है, या तो लार्ज स्केल जैम्स हुए हैं, या जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया, जिंदगी उथल पुथल हो गई, कुछ ऐसी चीज है जिससे यह दिखाया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर है, यहां पे कोई बड़ी भारी परेशानी है। एक तो यह चीज है ताहिर साहब। दूसरी चीज फॉरेन प्रेस का इन्वॉल्वमेंट, जहां पे कि आपको यह दिखाना पड़े कि साहब फॉरेन प्रेस में कि हिंदुस्तान में देखिए साहब सब कुछ बर्बाद हो गया, लोग मर गए, हाय तौबा, छाती पीटना, कि वॉशिंगटन पोस्ट में लोग आर्टिकल्स लिखेंगे या कुछ लिखेंगे। पॉलिटिसाइज सिर्फ ये चीज नहीं हुई है, जब चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल सामने आ गए थे और इंडियन फोर्सेस सामने थी, तब भी वॉशिंगटन पोस्ट और शिकागो ट्रिब्यून और न्यूयॉर्क टाइम्स में यहां से हमारे हिंदुस्तानी लोग आर्टिकल्स लिख रहे थे कि अब तो लद्दाख चला गया। यू सी, आप एक अगर आप ये देखेंगे कि एक इसकी एक स्ट्रेटजी है, एक इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे एक समझ है कि किस तरीके से, क्योंकि इलेक्शन तो आप जीत नहीं पा रहे हैं ना। अगर आप ये सोचें कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं, इलेक्शन आप जीत नहीं पा रहे,
तो साहब जब आप इलेक्शन नहीं जीत पा रहे तो आप क्या करेंगे फिर बताइए। तो तहर साहब मामला सिर्फ ये नहीं है कि सीए एनआरसी फार्मर्स प्रोटेस्ट अग्निपथ हिजाब नमाज की कंट्रोवर्सी, जब यू नो चाइनीज आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल सामने आ गई थी और इंडियन आर्मी भी वहां पे थी, तब यहीं से कुछ लोग थे जिन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट शिकागो ट्रिब्यून न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे थे कि अब तो लद्दाख हाथ से चला गया। यू सी सो इंडिया में एक बहुत बड़ी एनजीओ की लॉबी, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लॉबी काम कर रही है जो कि फ्रस्ट्रेटेड है कि मोदी जी क्यों लगातार इलेक्शन जीत रहे हैं, ये चक्कर क्या है, और ये कुछ भी करेंगे। मणिशंकर अय्यर साहब गए थे पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान से अपील करी थी कि आप मोदी को हटाइए और हमें, यू अंडरस्टैंड यू आर गोइंग टू अनदर कंट्री एंड सेइंग। सो ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसे ऐसे लोग आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएंगे, तो हर एक मुल्क में कोई ऐसे ऐसे होते हैं, बट यहां पे इंडिया में कुछ ज्यादा एक्टिव हैं। तो यही स्टोरी है, आप देखिए ना लगातार दर लगातार दिल्ली में दंगे होते हैं, शाहीन बाग के दौरान सब चल रहा है, 24 घंटे के अंदर जब प्रेसिडेंट ट्रंप यहां से फ्लाई आउट कर जाते हैं 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग से बिरयानी के डेग उड़ जाते हैं, टेंट तंबू गिर जाता है, कहानी खत्म। अब मैं इससे क्या समझूं कि आप इतने समय से आप एजिटेशन रन कर रहे थे और आपने बोला मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन यहां से नहीं हटेंगे, और जिस दिन प्रेसिडेंट जाता है अमेरिका का वापस दिल्ली से, आप उसके 24-48 घंटे के अंदर सब कुछ साफ कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि ये सब मैन्युफैक्चर्ड है और ये लगातार दर लगातार हो रहा है मैन्युफैक्चर। ये अग्निपथ भी वैसा ही है, जो कि इसका देखिए कुछ लोग हैं जिनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, मैं आपको समझा दूं। तायर साहब जो लड़के हैं जिन्होंने पहले के टेस्ट उनके पास हैं 2 साल पहले के, उन्होंने रिटर्न सब उन्होंने पास कर दिया, ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, उनको पुरानी स्कीम में लेना चाहिए फौज में, क्योंकि दैट इज द फेयर थिंग टू डू, इट्स नेचुरल जस्टिस। जो नए लोग हैं जो अभी नए लड़के हैं जो अग्निपथ स्कीम के अंडर आएंगे, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, उनको क्यों बुरा लग रहा है, तो फौज की मर्जी है, फौज जैसे भी ले, फौज चलेगी ठीक से नहीं चलेगी फौज का हेडेक है, इनका थोड़ा ना हेडेक है। भाई आप किन टर्म्स में किसी को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो तायर साहब वो आपकी मर्जी है, दूसरे की मर्जी है उसमें आए ना आए। तो जो लड़कों ने पहले क्वालिफाई कर लिया है आज से 2 साल पहले, उनके तो मैं सपोर्ट में खड़ा हूं कि साहब उनको पुराने टर्म्स एंड कंडीशन में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो नए लड़के हैं वो तो फाइनली द आर्मी विल डिसाइड और द एयरफोर्स और द नेवी विल डिसाइड उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये टोटल बात है साहब उसकी। जी आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि जो हम भी समझ रहे हैं कि एक पोलिटिसाइजेशन हो रही है उन इदारों के अंदर जो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और जहाँ पे पोलिटिसाइजेशन की गुंजाइश नहीं है, मगर पोलिटिसाइज करने वाले क्या करें क्योंकि उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं, यही अग्निपथ स्कीम के साथ मामला हो रहा है। अब हम बड़े कैनवस की तरफ आते हैं मेरे साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि रूस से तो हम बस तेल लेने वाले थे, इसी वजह से अमेरिका ने उनको बाहर निकाल दिया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में ये डिबेट चल रही है कि रूस से जो तेल पाकिस्तान आएगा भी या अगर आता तो क्या उसकी रिफाइनरी पाकिस्तान में मौजूद है, ये एक अलग इशू है, मगर भारत की जो तेल की इम्पोर्ट है रशिया से वो बढ़ गई है। रिसेंटली जयशंकर जी ने एक इंटरव्यू में वेस्टर्न मीडिया से कहा कि भाई आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम रशिया से ले रहे हैं, लेकिन आपने हमारे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ी, ईरान का तेल आपने मार्केट में बंद कर दिया, वेनेजुएला का बंद कर दिया। अब मेरे साथ मामला ये कि रशियन ऑयल खुद सऊदी अरब एक बड़ी तादाद में ले रहा है, चाइनीज़ ले रहा है, भारत ने इम्पोर्ट बढ़ा दी, और जो ये जो एक पाइपलाइन रशिया से बननी थी, जो असल मुद्दा है जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, वो पाइपलाइन पाकिस्तान से गुजर के भारत आनी थी, अब बीच में ईरान भी है और अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ भारत के अनप्रिडिक्टेबल रिलेशंस हैं, तो इस सारी सूरत हाल में ये जो तेल की इम्पोर्ट है, तेल की जो पॉलिटिक्स है और तेल का जो दुनिया पे असर है और पाकिस्तान और भारत के रिश्ते हैं, इनकी कड़ियाँ आप कैसे मिलाना चाहेंगे? देखिए मैं फिर थोड़ा सा तफसील से आपको बताऊंगा इसमें और अपने आपके जो व्यूअर्स हैं। तायर साहब ऐसा है कि इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं
और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग तरीके से पूरी होती हैं, उसमें विंड भी है, उसमें सोलर भी है, उसमें न्यूक्लियर भी है, और उसमें आपका ऑयल भी है जो कि फॉसिल फ्यूल ट्रेडिशनल एनर्जी का सोर्स है। अब इसमें मैक्सिमम तो देखिए फॉसिल फ्यूल ही है, हमारे पास तो फॉसिल फ्यूल है नहीं, तो हम इसको इम्पोर्ट करेंगे। कहां से इम्पोर्ट करेंगे? यूएई से, सऊदी अरब से करेंगे, या फिर ईरान से करेंगे, या फिर हम रूस से करेंगे, या कहीं और से करेंगे। बात यह है कि जब हमें राहदारी चाहिए थी कि हम अफगानिस्तान चले जाएं, हम सेंट्रल एशिया चले जाएं, पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि साहब हम आपको राहदारी नहीं देंगे, देंगे तो ये शर्तें हैं, आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, आप पहले माल उतारेंगे, हम उसको चेक करेंगे, वो फिर हमारे ट्रक में जाएंगे, फिर ये होगा। अच्छा, तो इंडिया में लोगों ने बहुत सोचा इसके बारे में कि अगर पाकिस्तानी हमें राहदारी दे भी देते हैं, अगर कर ये कह देते हैं कि ठीक है साहब आप कर लीजिए, आप सामान भेज दीजिए, कोई बात नहीं, हम आपके ट्रक्स भी चेक नहीं करेंगे और यू नो हम अपने ट्रक्स भी नहीं डालेंगे, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारे जो रिलेशनशिप है वो इतना वॉलेटाइल है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और इंडिया का, कि कभी भी पाकिस्तान उसको बंद कर सकता था। पाकिस्तान की मर्जी है, कल कुछ हो गया कश्मीर में, पाकिस्तान ने बंद कर दिया, और फिर इंडिया फिर ब्लैकमेल होता पाकिस्तान से कि आप ये करो वरना हम ये कर देंगे, आप ये करो वरना हम ये कर। इंडिया ने बिल्कुल इसको कलेशी को काट दिया। इंडिया ने क्या करा कि चाबहार पोर्ट पे काम शुरू करा, जरदान रेलवे लाइन पे काम शुरू करा, और नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर थी जो रशिया से आती है, जिससे वेस्टर्न यूरोप ईस्टर्न यूरोप कनेक्टेड है, रशिया कनेक्टेड है, ईरान के थ्रू आती है ना, वो अफगानिस्तान को टच करती है तहर सर, ना वो पाकिस्तान को टच करती है, ईरान के साथ हमारे फैंटास्टिक रिलेशन है। तो ये हमने पूरा सेट कर दिया। अब अगर हमें जाना है सेंट्रल एशिया, अगर हमें जाना है रूस, अगर हमें जाना है ईरान, और अगर हमें कल भी जाना है अफगानिस्तान, तो हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पावर है वो क्या है, सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की सबसे बड़ी शक्ति उसके न्यूक्लियर हथियार नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, माफ कीजिएगा, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो पाकिस्तान की है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और खास मुझे लगता है दुनिया में दो तीन ही मुल्क होंगे जिनकी इतनी होगी जितनी पाकिस्तान की है, बिल्कुल आइडियल। इसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया, और इसका इतना पाकिस्तान ने फायदा उठाया कि मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत से ज्यादा फायदा उठा लिया। अब इंडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं, इंडिया दो चीजें कर रहा है, इंडिया अपना फायदा तो कर ही रहा है, इंडिया अपनी तरफ से जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जो हमें ट्रेड है। इंडिया दुनिया को एक और तरीका बता रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूं ताहिर साहब, ये बात तय है कि आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद, राइट, 20 साल के बाद अमेरिका वापस अफगानिस्तान आएगा, आएगा, और जब वो आएगा दोबारा तो भारत ये चाहता है कि उस वक्त वो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल ना करके जो भारत रास्ता बना रहा है उस रास्ते से जाए अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान कहता है ना कि भारत चाहता है कि हमारे न्यूक्लियर हथियार ले लें, यह है एक साजिश वहां पे बताई जाती है पाकिस्तान में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि इंडिया चाहता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन उनकी ताकत है ही नहीं है, पाकिस्तानी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन हमारी ताकत है। वो न्यूक्लियर वेपन से क्या करोगे आप आज की तारीख में, चलने वाले नहीं, ना हमारे चलने हैं, ना पाकिस्तान के चलने हैं, ना रूस के चलने, ना अमेरिका, ना चाइना, ना किसी और के चलने हैं, फिर क्या फायदा? फायदा तो वो चीज का हो जो कर सकते हैं आप। तो पाकिस्तान, अगर आप एक बात बताइए, आप नक्शा देखिए, अगर आपको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है पाकिस्तान के रास्ते जाने की, फिर पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? देयर इज नो, पाकिस्तान अपने आप में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता, पाकिस्तान अपने आप में कोई आईटी का हब नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का, कोई कॉमर्स का हब नहीं है, कोई पाकिस्तान में ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं बन रही, कोई मशीनरी नहीं बन रही, कोई जबरदस्त एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। तो फिर पाकिस्तान का तो सारा इंपॉर्टेंस यही है कि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, और पाकिस्तान की जो है यहाँ पे पोर्ट्स हैं, आपके पास बिनकासिम पोर्ट है, या आपके पास गवादर है बलूचिस्तान, यही तो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, और तो कोई नहीं है। तो वो इंडिया नलिफाई करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया कर भी देगा नलिफाई, क्योंकि पहला कंसाइनमेंट इंडिया आ चुका है, अब उस पर काम करेंगे। और इंडिया को जब अफगानिस्तान जाना होगा तो बस ईरान से थोड़ा सा मुड़े अफगानिस्तान के अंदर, हमें पाकिस्तान की इसमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ट्रेड के लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत अगले 5 साल के बाद
वी विल बी टोटली, अभी भी हम जो भी भेज रहे हैं, थोड़ा सा अफगानिस्तान भेज रहे हैं सर, वो भी सप्लाईज ही तो हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन गुड्स हैं, सप्लाईज हैं, तो वो हम कर रहे हैं. बट इसके अलावा वी विल नॉट नीड पाकिस्तान. वी ऑल्सो वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो दैट इवन यू डोंट नीड पाकिस्तान. आपने पाकिस्तान को जो इतने अरब डॉलर दिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट लिखा था ना कि हमने 35-34 पता नहीं कितने अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, वो क्यों दिए? वो इसीलिए दिए राहदारी के लिए, सपोर्ट के लिए. तो हम दुनिया को ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमारा कॉरिडोर इस्तेमाल करेंगे, ये सस्ता पड़ेगा, इसमें कोई आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा. और इसके लिए हमें क्या करना है कि ईरान को हमें, जिसको कहते हैं हमें दुनिया के सामने दिखाना है कि इट्स अ नॉर्मल कंट्री, और वो इंडियन डिप्लोमेटिक कोर इस चीज में लगा हुआ है टू मेन स्ट्रीम ईरान, अगर मैं ये वर्ड मेन स्ट्रीम यूज कर दूं, ईरान को मेन स्ट्रीम करने में, क्योंकि हमें लगता है ईरान के पास बहुत कैपेबिलिटीज है, ईरान के पास तेल भी है, ईरान इज अ ग्रेट कल्चर, ओल्ड सिविलाइजेशन. उनकी कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं इसराइल के साथ, सऊदी के साथ कुछ परेशानियां हैं, अमरीका के साथ कुछ परेशानियां हैं, और हमारा इन सबसे बहुत अच्छा बनता है. वी हैव एक्सलेंट रिलेशंस विद इसराइल, एक्सलेंट रिलेशंस विद अमेरिका, एक्सलेंट रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया एंड एक्सलेंट रिलेशंस विद यूएई. इन्हीं सबसे तो प्रॉब्लम है उनको, तो वो हम उनको सब एक साथ लेने के चक्कर में कि आप सब लोग दोस्त बने, इसमें टाइम लगेगा, अभी ऐसा नहीं कि कल हो जाएगा, इसमें हो सकता है 5-10 साल लगे, लेकिन द फ्यूचर इज थ्रू दिस कॉरिडोर एंड नॉट पाकिस्तान, ये इंडिया का मानना है. जो आप बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की, उस रीजन की जियो स्ट्रेटेजिक जो वहाँ पे इश्यूज हैं, दोनों एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है, भारत पार्टनर है. हम I2U2 की बात कर लें, हम क्वाड की बात कर लें, अभी छोटा सा भारत में एक इशू हुआ जिसको बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश की मिडल ईस्ट के साथ तल्लुकात ख़राब करने के लिए, नूपुर शर्मा का मामला, लेकिन वो भी झाग की तरह बैठ गया चूँकि उसमें भी कोई जान नहीं थी, चूँकि इतने छोटे छोटे वाक़यात पर इतने बड़े बड़े जो वर्ल्ड इंटरेस्ट हैं वो तो कहीं नहीं जाते. अब इस सारी सूरत हाल में अगर भारत, जैसा कि साफ नज़र आ रहा है, एक ऑल्टरनेट पाथ डेवलप कर रहा है, काफ़ी हद तक उस पर काम हो चुका है, उस सारी सूरत हाल के बाद आप कहते हैं पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है जियो स्ट्रेटेजिक, तो फिर पाकिस्तान के तो अपने इकोनॉमिक हालात इतने बुरे हैं, $1 बिलियन के लिए हाथ फैला रहे हैं, तो फिर तो $1 बिलियन भी इनके लिए हासिल करना मुश्किल हो जाएगा अनटिल अनलेस ये अपनी पॉलिसीज ना बदलें. तर साहब, मैं सवाल का जवाब अलग एंगल से देना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो. जी जरूर जरूर. मैं एक बार, मैंने बहुत पहले ये कमेंट करा था जनरल रईस शरीफ के लिए, मैंने ट्वीट करा था, आज मैं वही चीज पूरे पाकिस्तान के लिए बोलना चाहता हूं कि आपके दुश्मन बाहर नहीं है, आपके दुश्मन अंदर है. पहले पाकिस्तानियों को यह समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट है ना, बाहर से साजिश हो गई, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है. बाहर से किसी ने बैठ के, कोई कमरे में बैठ के अंधेरा करके कोई साजिश कर दी, ये सब झूठी बातें हैं. पाकिस्तान का अशराफिया पाकिस्तान को खा रहा है. मैं आपको 2-3 बातें बोलता हूं, और आप भी पाकिस्तानी मूल के हैं, ओरिजिनली आप पाकिस्तान के हैं, आपकी पैदाइश वहां की है, पले बड़े आप वहां पे, तालीम आपने वहां से हासिल करी. ताहिर साहब, आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं आपकी शो में. पाकिस्तान के पास वसाइल हैं, है. पाकिस्तान के पास पानी है, है. पाकिस्तान के पास मैन पावर है, है. पाकिस्तान के पास जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिल्कुल है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता. मैं एज एन इंडियन मना नहीं कर सकता, राइट. पाकिस्तानियों में टैलेंट है, जब बाहर जाते हैं दे डू वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स. पाकिस्तान में ऐसा क्या नहीं है जो इंडिया में है? फिर इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? उसके पीछे एक कारण है, एक वजह है. वजह यह है ताहिर साहब कि पाकिस्तान का जो अशराफिया है ना, ये जो आपके फौज ले लीजिए या ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए या पॉलिटिकल पार्टीज ले लीजिए, वडेरे ले लीजिए, जो भी पावर स्ट्रक्चर है जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं पाकिस्तान का, डीप स्टेट, ये इतने थरली करप्ट है, ये इतने थरली करप्ट है. आपने बोला कि पाकिस्तान $1-1 अरब के लिए मोहताज है, भीख मांगता है. मैं ये पूछता हूं कि भीख मांगता है, ये बात सच है, लेकिन क्यों भीख मांगता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, राइट. आपके पास, मैं कहता हूं पाकिस्तानियों में अकल नहीं होती, बेवकूफ होते तो हम समझ जाते कि साहब ये बेवकूफ है. नहीं, आप बाहर जाइए, आपको अमेरिका में टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स, टॉप कंपनी में काम करते हुए लोग पाकिस्तानी मिलेंगे, तो इसका मतलब टैलेंट है.
हम पाकिस्तान में नदियां हैं, पानी है, पाकिस्तान में मिट्टी जरखेज है, आपका एग्रीकल्चर क्यों इतना बर्बाद है इन अ कंट्री दैट इज यू नो 60% जहां पे एग्रीकल्चर लोग करते हैं या जो भी करते हैं वहां पे एग्रीकल्चर का इतना बुरा हाल है। ये मैं जानना चाहता हूं क्यों। इट इज नॉट जस्ट मिसमैनेजमेंट ताहिर साहब, मैं मिसमैनेजमेंट नहीं है सिर्फ, ये मिसमैनेजमेंट है लेकिन ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये जानबूझ के पाकिस्तान को उसके अशराफिया ने ऐसा रख रखा है ये कंट्रोल में रहे। और ये मैं दिल से बात कह रहा हूं, आई डोंट मीन एनीथिंग, मैं कोई यहां पे आपकी शो में कुछ गलत बात कहने नहीं आया, बट मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान में टूरिज्म क्यों नहीं डेवलप हो सकता। आपके नदर एरियाज इतने खूबसूरत हैं कि कश्मीर को टक्कर देते हैं खूबसूरती में। पाकिस्तान अरबों डॉलर क्यों नहीं कमा सकता नदर एरियाज से? पाकिस्तान में जब इतने खूबसूरत एरियाज हैं, पाकिस्तान उससे पैसे क्यों नहीं कमा रहा? नहीं कमा रहा, नहीं कमा रहा, क्यों नहीं कमा रहा? आई डोंट नो क्यों नहीं कमा रहा। आपके पास जो आपके सिंध वाला एरिया है या आपका कुछ एरिया बलूचिस्तान का है, मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था कि कुछ कोस्टल एरिया है वहां पे विंड स्पीड बहुत अच्छी है पाकिस्तान में, वहां पे पाकिस्तान क्यों नहीं काम करता है सऊदी अरब और यूएई के साथ जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, और उनसे कहता है कि आप विंड और सोलर के हमारे यहां फार्म्स लगाइए, लगाइए, कहना हमें पैसा नहीं चाहिए, आप फार्म्स लगाओ, बस आप विंड और सोलर के फार्म्स लगाओ, आप हमें $1 मत दो, हमें नीचे ये एरिया है आप लगाओ, यू यूज डू इट फॉर अस, दे विल डू इट फॉर यू, वो कर देंगे। ये क्यों नहीं, मैं बता रहा हूं क्योंकि जब बड़ी डील होगी उसमें कट मिलेगा, जब बड़ी डील होगी फिर आप लोगों से, लोगों की जेब कटोगे, फिर आपके लंदन में और आपके न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात बनेंगे, आपके दुबई में। तो ये जानबूझ के पाकिस्तान को उसके, और हर समय इनको ये बोल दिया वो जो हिंदू है ना वो तुम्हें खा जाएगा, इंडियन आर्मी है वो लाहौर पे चढ़ दौड़ेगी, वो इस्लामाबाद खा जाएगी, ये खा जाएगी, वो खा जाएगी। असली में खाने वाले कौन है? जिनकी बाहर विदेश में प्रॉपर्टीज हैं, और जो अंदर पाकिस्तान को जिनकी बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे इमरान खान कहता है मेरी बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, इमरान खान ने तो अकेला इतना डैमेज कर दिया पाकिस्तान को कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये जो है, इमरान खान की सिर्फ नहीं, मैं कह रहा हूं सबके सब ऐसे ही है वहां पे, पूरा अशराफिया ऐसी है वहां पे, चाहे वो जरदारी फैमिली का हो, भुट्टो जरदारी फैमिली का, चाहे वो शरीफ फैमिली का हो, सब लोगों ने पाकिस्तान को दीवार से लगा रखा है मिलके। इमरान खान भी उसी में शामिल है, इमरान खान ने भी पाकिस्तान को दीवार से लगा रखा है, अब शहबाज शरीफ लगा रहा है, ठीक है। मुझे एक, अगर कोई चीज की कमी है पाकिस्तान में तो मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान इस चीज में पीछे है जिसकी वजह से पाकिस्तान $1 अरब के लिए मोहताज है, IMF से $1 अरब की भीख मांग रहा है। ये वजूहात है उसकी, 2-3 वजूहात, कोई भी मुझे समझाए तो मैं समझ जाऊंगा। ऐसा नहीं है, जब राजा चोर होता है ना तो प्रजा जो होती है वो तड़पती है, जब राजा चोर होता है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है, मैं अक्सर ये कहता हूं ना, यहां पर पाकिस्तान कहते हैं यार इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है, मोदी जी करके चार जोड़ी कपड़ा है मोदी जी के साथ, ठीक है, एक घर है उनका, ना कोई बच्चे, ना कोई बीवी, ना कोई कुछ, मां उनकी जाती ऑटो रिक्शा में बैठ के। ऐसा बंदा चोरी करेगा भी तो किसके लिए करेगा, है क्या उसके पास जो चोरी करे? ये तो फकीर टाइप के लोग हैं, इनके भी खुद ही बिल्कुल। तो ऐसा होता है ना कि वेन यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द कंट्री, दे आर नॉट डेडिकेटेड। मुझे पहले लगता था इमरान खान कम से कम खुद ईमानदार है, अगर इसके कैबिनेट वाले चोर हैं, ये फिर फरागोगी के लिए गवाहियां देने लगा। भैया आपका क्या लेने देना है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। तो ये सब चीजें, ये पूरा जो अशराफिया है, ये बड़े बड़े फार्म हाउसेज वाले, ये बड़े बड़े सेठ लोग जो हैं जिनके लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में रहते हैं, बड़े बड़े फैमिलीज वाले, दे आर, इनका एक ही धंधा है, पाकिस्तान की बोटियां नोचो, अपनी तिजोरियां भरो, और फिर टीवी शोज में जाके ये बोलो कि इसने साजिश करी, उसने साजिश करी। साजिश करने वाला कोई नहीं है, साजिश पाकिस्तान के अंदर से ही हो रही है। जी मेरे साहब, आपने बड़ी अहम बातें की, आपने मुझसे भी कुछ पूछा, मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ एक मिनट में अपनी ओपिनियन भी शामिल करता हूं, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान के जो करप्शन के हालात हैं उसने पाकिस्तान को खा लिया है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान जो तरक्की नहीं कर रहा, जो $1 बिलियन से $10 बिलियन के लिए तड़प रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक एबनॉर्मल स्टेट बन चुका हुआ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल अशराफिया की वजह से। इंडिया का ऑब्सेशन पाकिस्तान को मार गया है,
कश्मीर का ऑब्सेशन पाकिस्तान को मार गया है, उसकी वजह यह है कि कश्मीर का एक इंच तो 75 सालों में ये हासिल नहीं कर सके, मगर पूरी आवाम को कश्मीर की वो जो ट्रक की लाल बत्ती है उसके पीछे लगाया हुआ है। प्रायोरिटीज़ गलत है। मैं तो मेरे साहब आपकी इजाज़त से यहाँ तक कहूँगा कि करप्शन मैं अमरीका से ले कर ऑस्ट्रेलिया तक देखता हूँ। फ्रेंकली करप्शन से भी मुल्क बर्बाद नहीं होते, प्रायोरिटीज़ गलत होने से मुल्क बर्बाद होते हैं। प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। आपने टूरिज्म की बात की पाकिस्तान में, मुझे ये बताइए जिस समाज में कल्चर ही बर्बाद हो जाए और हर चीज़ में आप मज़हब को घुसेड़ दें, उसके बाद टूरिस्ट क्या करने आएगा? मैं एज ए टूरिस्ट जब भारत आता हूँ, अहमदाबाद जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, तो मुझे कल्चर दिखते हैं वहाँ पर। मुझे पहाड़ों नदियों की सिर्फ सैर नहीं करनी होती है मेरे साहब, वो पहाड़ नदियाँ यहाँ अमरीका और कैनेडा में बहुत ही सुंदर हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे तो कल्चर देखना है। अगर कल्चर ही मुझे नजर नहीं आता वहां पे, हर चीज आपने मजहब के एक फेक लबादे में ओढ़ी हुई है, तो क्या टूरिज्म होगी? तो चूंकि आपने मुझे इजाजत दी, मुझसे पूछा, तो मैं तो ये कहता हूं कि प्रायोरिटीज का गलत होना पाकिस्तान की ये हालत है जिस हालत में अब पहुंचा है। अब मैं मेरे सब आपसे जानना चाहता हूं कि ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, उसके साथ साथ जुड़े हुए इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, फौज की अपनी जो है एक माइंडसेट है, आपको ये कुछ तब्दील होता नजर आ रहा है इतने बुरे इकोनॉमिक हालात में? नहीं, तब्दील तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा वैसा होता है कि जब घर जल रहा होता है ना, तो अंदर से चीजें लोग निकालते हैं ना, अपनी वैल्यूएबल चीजें जो होती हैं, कीमती चीजें होती हैं। किसी को यह नहीं पता होता कि जब मैं घर जाऊंगा तो कब छत गिर जाएगी, उसको ये लगता है कि एक और चीज निकाल लूं, एक और चीज निकाल लूं। देखिए साहब, लोग खुले आम बाजवा साहब को गालियां देने शुरू कर दी, मेरे पास खुद वीडियो पड़े हैं, लोग उल्टी सीधी बात है, गद्दार है, ऐसा है, वैसा है, और कुछ ऐसी ऐसी भी चीजें, आपकी शो फैमिली शो है, बच्चे भी देखते हैं, लेडीज भी देखती हैं, तो चीजें मैं रिपीट नहीं कर सकता जो वो जनरल बाजवा के खिलाफ बोल रहे हैं। और इनको पता ही नहीं फौज कैसे काम करती है, कोई भी फौज हो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फैज हमीद को आर्मी चीफ क्यों नहीं बना रहे? फैज हमीद ने अभी कोर कमांड करना है। फैज हमीद इज नॉट अमंग द फर्स्ट थ्री, फर्स्ट फोर इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी इन द पाकिस्तान आर्मी, लेकिन ठीक है, इमरान खान का चाहता है उसको आर्मी चीफ बनाओ, फिर पकड़ के बनाओ आर्मी चीफ उसको। तो ये सब जो चीजें, दूसरी चीज जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, लोग बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं कि देखिए, सिर्फ 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 ताहिर साहब बिजली का रेट बढ़ाने से या वो बढ़ाने से, ठीक है वो शर्तें हैं आईएमएफ की, आपने मान ली, आपको लोन मिल जाएगा, फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने प्रायोरिटीज की बात करी ना, और मैं ये कहना चाहता हूं कि यही है जो मैं नहीं बोल पाया, वो आपने बहुत सुंदर तरीके से बोल दिया। देखिए, आपने बिजली का दाम बढ़ाया, आपने गैस का दाम बढ़ाया, आपने 60 रुपए की बिजली बढ़ा दी, 65 रुपए की, 70 रुपए, 75 रुपए 60 दिन में, आपने बोला कि नहीं ठीक है, आईएमएफ ने जो बोला ठीक है, वो करना भी था, वो पाकिस्तान की मजबूरी थी, इमरान खान होता वो भी करता। चीन ने पैसे देने से मना कर दिया, सऊदी अरब कुछ दे नहीं रहा, यूएई कुछ दे नहीं रहा, अमेरिका ने तो हाथ झाड़ लिया। अब मैं आपसे एक बात छोटी सी ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान पैसे लाएगा कहां से, और क्या पाकिस्तान को आगे चल के अपने दो पैरों पर खड़ा होना है कि नहीं होना, उसके लिए क्या पॉलिसी है, उसके लिए पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? मुझे नहीं दिखता ताहिर साहब की कोई पॉलिसी है इनकी, मुझे नहीं लगता। दे आर जस्ट गोइंग फ्रॉम वन लोन टू द अदर कि अगर हम ये कर देते हैं तो हमें इतना मिल जाएगा, फिर हम ये कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। अरे वो तो मिल ही जाएगा, आप कर दोगे तो, लेकिन देन वॉट? तो पाकिस्तान कई दिहाइयों से ऐसे ही चल रहा है कि हमने ये इससे पकड़ लिया, ये इससे पकड़ लिया। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का क्या इकोनॉमिक प्लान है? ठीक है, इनका जो शेयर मार्केट है ज्यादातर इट इज फ्यूल्ड बाय रियल एस्टेट, और ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही धंधा ठीक से चल रहा है, दैट इज रियल एस्टेट। ठीक है, आपके एक्सपोर्ट के प्लान क्या है, आपने टैक्स नेट किस तरीके से बढ़ाना है, आपने लोगों को कौन सी फैसिलिटीज देनी है कि वो लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आपके जो टेक्सटाइल की मिल्स हैं पंजाब में, वो आपकी बंद पड़ी हैं, आपको बिजली का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, जैसा मैंने बोला था ना कि ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस, वो कैसे करना, उसके बारे में नोबडी इज टॉकिंग। पूरे पाकिस्तान में एक ही बात चल रही है कि जी बिजली का रेट बढ़ गया है, अब हमने बातें मान ली हैं, अब मुबारक हो एफएटीएफ से निकल जाएंगे, ये बातें करते हैं बस। दे डोंट टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस, और स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूरी हैं ताहिर साहब, उसके बिना होगा नहीं कुछ पाकिस्तान में। फिर ये एक महीने के बाद ना ये आईएमएफ पैसा दे देगा इनको,
और जरूर देगा, कुछ समय के बाद जरूर देगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं देगा, फिर एक महीने के बाद, दो महीने के बाद यही टीवी पे डिबेट। अब चीन बिरादर मुल्क है हमारी, क्यों नहीं मदद कर रहा, ये इनके टीवी पे डिबेट चल रही है, एंड दिस इज इट। जी, इससे पहले कि थोड़ा हम आगे जियो स्ट्रेटेजिक के हवाले से सेंट्रल एशिया और भारत के तल्लुकात जो बहुत ही आगे को जा रहे हैं उस पर आखिर में बात करें, मैं उससे पहले एक और छोटी सी कमेंट्री करना चाहता हूँ। आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड हैं जो अमेरिका में और मिडल ईस्ट में, कनाडा में बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये बात सच है कि वो स्किल वर्किंग जो है उसमें बहुत ही बढ़िया हैं। बदकिस्मती से उनमें से भी मेरे साहब जो बेशतर का माइंड सेट है वो स्टक है जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल के जो मामलात हैं, वो भी ये समझते हैं, यहाँ बैठे हुए बड़ी बड़ी डॉक्टर्स की तंजीमें जी, कि कश्मीर बस हम उस पर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो कश्मीर को आज़ाद करा देंगे। भाई 75 साल से आप कश्मीर के मसले को नहीं समझ सके तो रहा क्या करवाएंगे। एनी हाउ, मैं आज आपने मुझे उकसा दिया तो मेरा जी चाह कि कमेंट्री करूँ। आखिर में मैं मेरे साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ के सेंट्रल एशिया के पांचों मुल्क, ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान, मुझे ये नाम इसलिए याद रहते हैं, मैं बहुत साल रहा हूँ वहाँ पे, तो ये पांचों के पांचों जो स्थान हैं, ये अफ़गानिस्तान के साथ तीन कंट्रीज की बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते नाते अच्छे बुरे इनके रहते हैं, मगर भारत के साथ मुसलसल बहुत अच्छे ताल्लुकात इनके चले आ रहे हैं। लेकिन अब जो भारत के साथ तल्लुकात इतने बढ़िया हैं कि पाकिस्तान को भी दुशंबे में ताजिकिस्तान के कैपिटल में नहीं बुलाया गया, एक बहुत ही बड़ी मीटिंग में अजीत डोवाल साहब वहाँ पे थे। आपने ज़िक्र किया कि वो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है रशिया से लेके अल्टीमेटली भारत तक पहुँचते हुए, उसमें ये पांचों कंट्रीज़ बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, फिर आज़रबाईजान छठा एक कंट्री, उसको भी साथ आप मिला लीजिए। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है भारत के साथ है, इतनी स्ट्रांग कि मैंने अभी जिक्र किया I2U2 का भी हिस्सा है, भारत क्वाड का भी हिस्सा है, सेंट्रल एशिया का ये पूरे का पूरा जो पट्टी है इसका भी हिस्सा है, तो इससे भारत की जो अपनी स्ट्रेंथ है अब वर्ल्ड स्टेज पर आपको किस तरह की नज़र आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि हर समय हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो असली ताकत रही है वो कंसेंसस बिल्डिंग की रही है, एंड आई थिंक इंडियंस आर वेरी गुड एट कंसेंसस बिल्डिंग, कि चार लोगों को बैठा के उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना कि ऐसा हो जाएगा, और समझना कि मुल्क के मफाद क्या हैं, तजाकिस्तान का मफाद क्या है, किर्गिस्तान का मफाद क्या है, ये लोग चाहते क्या हैं और हम लोग क्या चाहते हैं, फिर दोनों को एक पॉइंट पे, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ने हर समय जब भी अप्रोच करा है तो इस्लाम के नाम पर अप्रोच करा है, रिलीजन के नाम पर। रिलीजन ऐसी चाबी है जो कुछ दरवाजे खोल सकती है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, पर अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इस्लाम के नाम पे, रिलीजन के नाम पे सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारे तो नहीं खुलते, कभी किसी भी मुल्क में नहीं खुलते, इट्स इंपॉसिबल, इट्स इंपॉसिबल। इवन यू नो जब ये नूपुर शर्मा वाला केस आपने जो मेंशन करा था जब ये हुआ, तो बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत परेशान हो गए और बात कर रहे हैं OIC से कि सेक्रेटरी से कि कुछ बुलाइए, इजलास बुलाइए, और ये बोला अच्छा इजलास बुला भी दिया, वो तो बुलाएंगे नहीं पहली चीज, उन्होंने बुला भी दिया, फिर क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूं, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, OIC का इजलास बैठ गया, उन्होंने कंडेम करा कि इंडिया बहुत बुरा है, इंडिया ने बहुत बुरा करा, नूपुर शर्मा बहुत बुरी है, ये अच्छा फिर क्या होगा, होगा क्या उसके बाद? जी वैसे मैं टोकता हूँ, उन्होंने ट्वीट भी की थी एक OIC ने, और उस पर भारत के एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने ही शट अप कॉल दे दी थी। जी नहीं बिल्कुल, देखिए भारत को ना, अगर किसी को भी ये लगे, OIC को ये लगे कि साहब ऐसा है कि हम भारत को ना हम पट्टी पढ़ा देंगे, भारत को हम समझा देंगे, भारत को हम दबा, ये होने नहीं वाला, कभी ये होने नहीं वाला। हमने लोगों को ये बता रखा है कि ठीक है अगर आपके पास तेल है तो तेल आप चाटेंगे तो है नहीं, उस तेल को आपको तेल बेचना है, आपके पास तेल है हम खरीददार हैं, अगर हमारे लोग आपके मुल्कों में काम कर रहे हैं तो आप उनको पैसा देके एहसान नहीं कर रहे, हम आपका मुल्क चला रहे हैं, यानी कि जो टैक्सी चलाता है वो भी हिंदुस्तानी है ताहिर साहब, और जो उस टैक्सी कंपनी का CEO है वो भी हिंदुस्तानी है। इंडियंस आर एवरीवेयर, दे आर नॉट जस्ट एट द लोअर लेवल, दे आर एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑल्सो, दे आर एडवाइजिंग देयर वेरियस गवर्नमेंट्स,
वहां पे आर्किटेक्ट्स इंडियन हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी इंडियन है, और जो सीमेंट की बोरी अपने सर पे उठा रहा है वो भी इंडियन है। अगर आप गल्फ कंट्रीज से या ये जो आपकी पूरी कंट्रीज है मिडल ईस्ट की, अगर आप वहां से, जैसे ही लोग कह रहे थे कि सब निकाल देंगे 1 करोड़, आप निकाल दीजिए, इनकी इकोनॉमी जमीन पर बैठ जाएंगे। हम तो चलाते हैं, इनको थोड़ा ना आता था, इनको तो आज से ये दो पुश्त पहले इनको तो ये नहीं पता था कि जमीन से जो ये काला कीचड़ निकल रहा है तेल है। इनको तो गोरे ने बताया कि तेल है, इनको तो इतनी तमीज नहीं थी ना। तो उनकी इकोनॉमी कौन चल रहा है, उनके मुल्क कौन चला रहा है, वो इंडियंस चला रहे हैं। आप निकाल दो, आपकी मर्जी है। तो ये देखिए, हमारा जो आपने ये पांच जो स्थान जो है जिनके बारे में आपने बताया ना कि इंडिया का विथ रिलेशन टू पाकिस्तान, वी हैव टोल्ड देम कि आपको क्यों पाकिस्तान की जरूरत है। ये जो आप बोल रहे थे ना, डोवाल साहब गए थे वहां पे दुशानबे में, बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें खबर ये नहीं थी कि पाकिस्तान नहीं था, उसमें ये खबर थी कि पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड चाइना था, पाकिस्तान का नेबर ईरान, वो भी वहां पे बैठा था, और किसी ने ये नहीं बोला कि इसमें पाकिस्तान को होना चाहिए। क्योंकि इंडिया इज स्लोली कन्विंसिंग द वर्ल्ड, इट इज कन्विंसिंग ईरान कि आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आपको नहीं है पाकिस्तान की जरूरत। हाँ, चाइना को हो सकती है पाकिस्तान की जरूरत कि चाइनीज वर्कर्स अगर आते हैं अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तानी आर्मी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, अगर तालिबान नहीं करता तो, इतना है। और अगर तालिबान को खुद मुख्तारी का कीड़ा काट गया, जो कि उनको काट रहा है बड़ी तेजी से, फिर वो पाकिस्तानी फौज को अंदर घुसने नहीं देंगे। तो इंडिया ये कह रहा है बार बार सारी दुनिया से, ईरान से ये बात कह रहा है, चीन से ये बात कह रहा है, ये जितने भी स्थान आपने नाम दिया सबसे एक ही बात कह रहा है इंडिया कि भाई आपको पाकिस्तान की जरूरत क्यों है, आप हमें बताइए। एक तो वजह बताइए कि साहब इसलिए हमें पाकिस्तान की जरूरत है, आपको नहीं है जरूरत, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप आइए हमारे साथ। तो ये सब चल रहा है वहां पे। बहुत आखिर में मेरे साहब, मैं छोटी सी कमेंट्री के साथ एक सवाल भी करूंगा। मेरी कमेंट्री में ये बात शामिल है, शायद मेरा ये ख्याल है कि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अशराफिया नॉर्मल तरीके से बिहेव करें और अपने देश को नॉर्मल बनाएं ताकि उस रीजन में इस्तेहकाम आए। मेरी भी उनसे यही बेनती है, ख्वाहिश है, उनसे इल्तजा है कि नॉर्मल कीजिए अपने आप को। मगर बदकिस्मती से, अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ, बदकिस्मती से जो हिंदू के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाई गई है, वो नफ़रत अब पाकिस्तान को डुबो रही है। ये मैं बहुत बारीक बात कर रहा हूँ, अभी शायद मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों को समझ ना आए। नॉर्मल बनने के लिए इनको नफ़रत से निकलना होगा, यहूदी से नफ़रत है, हिंदू से नफ़रत है, सिख से नफ़रत है, इस नफ़रत से निकलना होगा। इस नफ़रत से निकलने का कोई चांस आपको नज़र आता है पाकिस्तान की तरफ से? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ हिंदू सिख यहूदी ईसाई से नफरत नहीं करते, खुद से भी नफरत करते हैं। जितना पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को मारता, मुझे लगता है और किसी मुल्क में मारा होगा, ईरान इराक की जंग में मारा होगा तो मारा होगा, लेकिन जितना पाकिस्तान में एक मुसलमान दूसरे को मारता है वो, तो ये सिर्फ देखिए ना, नॉर्मल वो नहीं बन पाएगा, इसकी अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद नॉर्मल नहीं है, उसकी पैदाइश नॉर्मल नहीं है। इट वॉज, जैसे कहते हैं ना, एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सिजेरियन होती है, इट वॉज अ सिजेरियन डिलीवरी बट अंडर वेरी ट्रॉमेटिक कंडीशन। सिजेरियन भी नॉर्मल होती है, अंडर वेरी, इसको करवाया गया जबरदस्ती, पाकिस्तान को डिलीवरेटली पैदा करवाया गया, उसको बनाया गया, उसकी एक आइडियोलॉजी बनाई गई, एक आइडियोलॉजी थोपी गई। ये सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान में जो हम लोग कहते हैं, अक्सर डिस्कस करते हैं, आपके साथ भी एक बार मेरी बात हो रही थी, आपने जिक्र करा था आइडेंटिटी क्राइसिस की, यही तो पाकिस्तान को खा रही है। ये नफरत कहां से आती है, नफरत यहां से आती है, ये टू नेशन थ्योरी से आती है नफरत, और ये नफरत ये आती है कि हम अरब हैं, हम सेंट्रल एशिया से आए हैं। वो सेंट्रल एशिया से नहीं आए, वो कानपुर से आए हैं सर, वो इलाहाबाद से आए हैं, वो गुरदासपुर से आए हैं, वो अमृतसर से आए हैं। पर आपको बोलना पड़ता है कि हमारे खानदान ईरान से आए थे और हम वहां से, उनको लगता है फॉरेन कंट्री का, तो ऐसा लगता है कि भाई हम फॉरेनर है बने हुए इन सबके साथ। तो ये इनका माइंडसेट है। दूसरी चीज, जो हिंदू हेट्रेड की आपने बात करी ना, हिंदू हेट्रेड तो बहुत पुरानी है कि मार देंगे, काट देंगे, ये सब। तो यू सी ए सुप्रीमेसी कि वी आर सुपीरियर टू देम, तो ये हर समय तनाव की स्थिति बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता ताहिर साहब कि कभी इन द नियर फ्यूचर इन नॉर्मल होने वाली बात, ये बहुत बड़ी चीज आपने मांग ली है, ये मुश्किल है सर, ये मुश्किल है, ये कभी नहीं हो पाएगा। ये हेट्रेड, नफरत करना, हम कह रहे हैं हमसे नफरत कर लो, हिंदुओं से कर लो नफरत, खुद से तो मत करो। ये खुद से इतनी नफरत करते हैं सर, एक दूसरे के मस्जिदों में बम डालते रहते हैं, ये
पाकिस्तानी फौज को जो मार रहा है जान से वो भी पाकिस्तानी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाला, जो उसको मार रहा है वो भी पाकिस्तानी है, जो बलोच कराची में अटैक कर रहा है वो भी पाकिस्तानी मुस्लिम है, जो उसको मार रहा है डिसअपियर करवा रहा है वो भी पाकिस्तानी मुस्लिम है। इसमें तो कोई हिंदू का रोल नहीं है, कोई सिख का रोल नहीं है, तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हिंदू से, ये खुद को भी काट रहे हैं आपस में। आपने कहा कि एबनॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो वो अनफॉर्चुनेटली आगे यही सब कुछ आउटकम होता है जो हम देख रहे हैं। लेकिन मेरे साहब आज हमारी कुछ गुफ्तगू इमोशनल भी हो गई। हमने एबनॉर्मल डिलीवरी से कई मुल्क दुनिया में बनते देखे हैं, मगर फिर वो नॉर्मेलसी के रास्ते पे चल पड़ते हैं। हमारे एक दोस्त एजाज कमर राजा का शेर है, कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुज़ुर्गों ने सोच कर घर नहीं बनाया। बहुत आखिर में कंक्लूड कीजिए आज की थोड़ी हमारी इमोशनल गुफ्तगू भी, लेकिन फैक्ट्स पे बेस करती हुई गुफ्तगू पर, कि कोई ऐसी बात जो हम मिस कर रहे हों आज की गुफ्तगू में। नहीं सर, मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया में जो अभी चल रहा है अग्निपथ वाला, जो लोग बहकावे में आकर पॉलिटिकल पार्टीज या कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो आगजनी कर रहे हैं, जो ट्रेन में जला रहे हैं, मैं उन यंगस्टर्स से बोलूंगा, देखिए ऐसा है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आप ये मारकाट बंद करिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, खत्म हो जाएगा। कुछ लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि टीवी कैमराज, देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है साहब, टीवी कैमराज उनको शो कर रहे हैं। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई महाराष्ट्र में, तो टीवी कैमराज वहां पर चले गए, यहां पर नहीं रहेंगे टीवी कैमराज, परमानेंटली नहीं रहेंगे। तो जो जिस उरूज पर जाना था उरूज पर जा चुका है, अब जितनी जल्दी इसको खत्म करें उतना अच्छा है मुल्क के लिए, आप सबके फ्यूचर के लिए, क्योंकि देखिए बात यह है कि FIR फाइल होंगे, जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, इससे क्या होता है कोर्ट कचहरी के चक्कर फिर साल दर साल। तो यही बस मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा था इन सब लोगों को जो नौजवान है, बड़े टैलेंटेड है, अच्छे बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको किसी के बहकावे में आना चाहिए और देश की तरक्की की राह पे चलना चाहिए इनको। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमें वक्त देते हैं, हमारे व्यूज को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। व्यूज बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या साहब की, इनका चाणक्य फोरम आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ उसके ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए। और मेरे साहब की गुफ्तगू ना सिर्फ हमारे टेलीविजन पर बल्कि साउथ एशियन टेलीविजन्स पर हर जगह देखी सुनी जा सकती है, और पाकिस्तान हो भारत हो मेजर साहब को कोट किया जाता है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हमें ये बाकायदगी से वक्त देते हैं। आज का बिला तकल्लुफ तैजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीविजन के ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, 24/7 आप हमारे न्यूज़ और व्यूज़ देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें पेपॉल के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेट्रियन के ज़रिए कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.